सभी किसान मित्रों को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इन्फोटेक फार्म लीडर में। किसान मित्रों, दिनांक है 5 अगस्त 2022, वार है शुक्रवार, समय हुआ है अभी हाल फिलहाल 7 बजे हैं। वीडियो आपके पास आएगा सुबह की 7 बजे हैं और वीडियो आपके पास आएगा सुबह की 7:30 बजे तक। बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी मंडी इंदौर की चोइत्रा मंडी की। इंदौर की चोइत्रा मंडी में आलू प्याज लहसुन तीनों जिनसों की कितनी आमदनी देखने को मिली है, वहीं तीनों जिनसों का कल क्या रेट निकल कर आया था, इन्हीं विषय में हम बात करेंगे। किसान मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से आपको इंदौर की चोइत्रा मंडी की A to Z जानकारी, संपूर्ण सटीक विश्वसनीय जानकारी उपलब्ध करवाई जा रही है। अगर हमारे सभी अन्नदाताओं से निवेदन है, अगर हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाल कलर की घंटी का बटन दबा के उसे ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जो हमारे आने वाले वीडियो है उनके नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच सके। तो शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम बात करेंगे कल के भाव की। कल प्याज में करीब 100 रुपये की फिर तेज़ी बनी। मैंने आपको बता दिया था कल सुबह वाले वीडियो में कि प्याज की तेज़ी आज भी बनने के आसार हैं, तो लगभग 100 रुपये की फिर तेज़ी बनी। ऊपर में टॉप क्वालिटी प्याज 1500 से 1600 रुपये के बीच में 2-4-10 लोड बिके। वहीं अगर हम बात करें बल्क की, तो बल्क में 1000 रुपये से लगा के 1300 रुपये और 20-25 लॉट 1300 से लगा के 1400 रुपये के बीच में भी बिके। वहीं अगर हम बात करें किसान मित्रों लहसुन की, तो लहसुन में भी कहीं ना कहीं अच्छी क्वालिटी की जो लहसुन है उसमें तेज़ी देखने को मिल रही है। जो हल्की लहसुन है तो वहाँ पे बहुत नरमी देखने को मिल रही, पूरा मंदीवाड़ा छाया हुआ है। ऊपर में टॉप क्वालिटी लहसुन 2000 से 3100 रुपये का रेट रहा कल इंदौर की चोइत्रा मंडी का। बल्कि की अगर बात करें तो 1000 से लगा के 2000 रुपये और मीडियम लहसुन 600 से 1000 और बारीक लहसुन 200 से 600 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से गई। हम अगर बात करें आलू की, तो लोकल आलू तो लगभग 1800 से 2000 बिका। ज्योति आलू की अगर बात करें तो 1500 से लगा के 1800 रुपये के बीच में। वहीं अगर बात करें सोना चिप्स की, तो 1500 से लगा के 1700 के बीच में। वहीं अगर बात करें हम LR ATL और साथ साथ हमारा पोखराज सुपर 6 37 97 और ख्याति, सभी प्रकार के आलू 1000 रुपये से लगा के 1600 रुपये तक के पकड़ बना के बैठे हैं इंदौर की चोइत्रा मंडी। तो ये तो हो गई कल की जानकारी। अब हम बात करेंगे आज की आवक की जानकारी। आज कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि 100 रुपये की तेज़ी फिर आज बन सकती है, हल्की सी तेज़ी आज प्याज में फिर बनेगी। वहीं अगर हम बात करें मेरे किसान भाइयों आवक की प्याज की, तो करीब 45 से 50 हज़ार प्लस प्याज की आवक देखने को मिली है। आलू की आवक आज भी करीब 8000 से 10000 है। लहसुन की आवक में बढ़ोतरी हुई है, लहसुन की आवक 13 से 14 हज़ार कट्टे लहसुन की आवक हम आज देखने को मिली। किसान भाइयों मेरे पास कल के चेन्नई मंडी और सोलापुर मंडी दोनों मंडियों के वीडियो आ गए थे रात को 9:30 बजे, लेकिन वो मैंने आपको 9:30 बजे वाला मेरा जो वीडियो 6:30 बजे में वीडियो डालता हूँ वो डाल नहीं पाया था, और उस वीडियो के लगभग 2 से 2.5 घंटे बाद में मेरे पास जानकारी आई थी महाराष्ट्र से सोलापुर और तमिलनाडु से चेन्नई की। तो शाम को तो मैं वीडियो नहीं बना पाया। अभी मैं आपको जानकारी देता हूं कल सोलापुर मंडी कहां तक बिका। ऊपर में टॉप क्वालिटी 1700 रुपये से लगा के 1900 रुपये तक रेट रहा हमारी सोलापुर मंडी का। वहीं अगर हम बात करें चेन्नई मंडी का, तो चेन्नई मंडी में 1800 से 2000 रुपये तक कल प्याज बिका। ये ऊपर के जो 10-20 लॉट बिकते हैं वो रेट मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी इसी हिसाब से आप एक अनुमान लगाइए कि हमारा आपका जो प्याज है वो किस कैटेगरी का और क्या रेट में बिक सकता है वहाँ अगर आपका प्याज जाता है तो। अब एक जानकारी और दे दूँ, हमारा जो बांग्लादेश प्याज जा रहा है जैसा हमेशा से जा रहा है वैसा ही जा रहा है, पर कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो MP का जो प्याज है वो कभी लेते हैं कभी नहीं लेते हैं, इस प्रकार से मामला चल रहा है। क्योंकि हमारा जो MP का प्याज है इस बार बहुत हल्का प्याज है और उसी कारण से इसकी डिमांड बहुत कम निकल कर आ रही है। आपने देखा होगा जहाँ उत्तर प्रदेश में हमारा प्याज जा रहा था वहाँ से भी डिमांड बंद कर दी थी उन्होंने, वहाँ से डिमांड तो थी लेकिन वो नासिक का प्याज लेने लग गए थे, हमारा यहाँ से बंद कर दिया था उन्होंने। उसका मेन कारण हमारा प्याज का जो क्वालिटी वो ठीक नहीं है, यही कारण है मेन। तो ठीक है किसान मित्रों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं शुरुआती नीलामी का वीडियो लेके आप 11:30 बजे वाले वीडियो में। अभी मैं आजकल वीडियो डालने लगा हूँ सुबह 7:30 बजे, दोपहर में 11:30 बजे और साथ ही साथ शाम को 6:30 बजे। मैं इस इंदौर की चोइत्रा मंडी में कल के शायापुर मंडी के कुछ लाइव वीडियो हैं वो मैं कल डाल नहीं पाया था। शाम को 6:30 बजे वाला वीडियो जो मैं बनाता हूँ वो बना नहीं पाया, वरना उसमें कल मैं वीडियो डाल देता। तो इस वीडियो में मैं शायापुर मंडी के कुछ लाइव वीडियो हैं वो ज़रूर देखिएगा आप,
गुरु कृपा ट्रेडर्स और राठी ट्रेडर्स के दोनों तीनों वीडियो देख लीजिएगा। आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। सभी किसान मित्रों का धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं किसान छह बावन। बारह सौ इक्यावन